जय श्री राम साथियों। कल कर्नाटक के हुबली में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, असहनीय। अब मतलब उसे बयान ही किया जा सकता अपने शब्दों में, इतनी गलत हरकत हुई है। एक वर्ग विशेष के पुरुष द्वारा एक हिंदू बेटी का, उसके प्यार को नहीं अपनाने की उसे ये सज़ा मिली कि उसे मार डाला गया। बहुत ही गलत दर्दनाक हादसा है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन कर्नाटक की सरकार, कांग्रेस सरकार का अभी तक उस विषय पे कोई बयान नहीं आया है, कोई उन्हें पछतावा नहीं है, कोई ग्लानी नहीं है, या उस बेटी के प्रति कोई संवेदना नहीं है। इतनी निर्दयी कर्नाटक की आज की कांग्रेस सरकार है। एक अगर यही चीज़ किसी हिंदू पुरुष के द्वारा मुस्लिम महिला के साथ में होता, तो आज जितनी भी इंडी गठबंधन की पार्टियां हैं वह इस बात को मुद्दा बना लेती। हिंदू पे प्रहार करना इनकी शुरू से आदत है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, या स्टालिन वाली पार्टी डीएमके। इनके लिए मुस्लिम पक्ष जो है वो एक वोट बैंक है, और हिंदू जो है सिर्फ और सिर्फ हमेशा चुनावों में या अन्य वक्त ठगा जाता है, क्योंकि हिंदू इन्हें सिर्फ वोट दे, लेकिन ये गाली हिंदू धर्म पे ही देंगे। सनातन का हमेशा अपमान सभी के द्वारा किया जाता है, कोई अकेला राहुल गांधी नहीं है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे एमके स्टालिन हो, या उसका बेटा हो, या ममता बनर्जी हो, इन्हें जब भी देखिए ये मुस्लिमों के गुण गाते हुए मिलेंगे और हिंदू का सनातन का मजाक बनाते हुए अपमान करते हुए मिलेंगे। आज तक देख लीजिए इनका रिकॉर्ड, इतना बड़ा हादसा हो गया, और यहाँ तक कि जिस बेटी के साथ में यह दर्दनाक हादसा हुआ है उनके पिता कांग्रेस पार्टी के ही वर्कर है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के द्वारा अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है। अभी चुनाव चल रहे हैं, उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है, उनके वोट परसेंटेज कम ना हो जाए, क्योंकि अगर वहाँ पे एक्शन लेंगे तो एक वर्ग विशेष ऐसा है जो दबाव बनाने का काम करता है, वो दबाव की राजनीति करता है, और राजनीति जो हिंदू विरोधी, देश विरोधी पार्टियाँ हैं वो उनके दबाव में आके काम करती है। कर्नाटक की जब सरकार जो 2022-2023 के चुनाव में जो कर्नाटक में वापस से कांग्रेस सरकार स्थापित हुई, तो इन्होंने मुस्लिमों को खुश करने के लिए वक्फ बोर्ड की चंदा दिया और हिंदू मंदिरों से चंदा टैक्स के रूप में लिया। ये कानून लेके आए, इनकी कट्टरवादिता इसी बात से सिद्ध हो जाती है कि ये कितने हिंदू विरोधी है और मुस्लिम के पक्षधार हैं। लेकिन देश की जनता सब समझती है, देश की जनता आज की तारीख में कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जैसे जो कांग्रेस पार्टी का युवराज है राहुल गांधी, वो अपने आप को जनउद्धारी ब्राह्मण कहता है, वो सिर्फ एक चुनाव में जनउद्धारी ब्राह्मण था, अब कोई जनउद्धारी ब्राह्मण नहीं है, अब कभी नहीं बताएगा कि मैं जनउद्धारी हूँ। इनका खुद का इतिहास नहीं है कि ये कौन सी जनउद्धारी है, इसके दादा, इसके पिताजी के दादा वो मुस्लिम, दादी हिंदू है कि नहीं है तथा कथित है, माँ ईसाई, पिता का कोई समझ नहीं आता, कोई मुस्लिम, तो ये जनेऊधारी ब्राह्मण बन कैसे गए? ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ गांधी, कोई महात्मा नहीं, महात्मा गांधी नहीं, सिर्फ गांधी के द्वारा जो नाम दिया गया था उस नाम के बलबूते इन्होंने देश पे 70 साल राज किया है, मुस्लिमों को अपने पक्ष में रखा है, हिंदुओं को नकारा है। तो इनकी जो ये तर्क वितर्क वाली जो राजनीति है
अब जनता सब समझ चुकी है, जनता अब इनको अच्छे से जवाब देगी आने वाले अगले 5 साल में। कांग्रेस जो है अपने वजूद से भी ख़त्म हो जाएगी, और वजूद से ख़त्म करने का काम सिर्फ एक ही व्यक्ति कर देगा, राहुल गांधी। बचा कुचा असर प्रियंका गांधी कर देगी। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि उस बेटी का उस कोई कसूर नहीं था, फिर भी उसे अपनी जान गंवाना पड़ी। मैं आज के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन करना चाहूँगा कि उस, क्योंकि कर्नाटक की सरकार इस मामले में तो कुछ करेगी नहीं, तो केंद्र सरकार को ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा। उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि अमित शाह जी उस बेटी को पूरा न्याय देकर रहेंगे। सही है, क्योंकि कांग्रेस जो है सिर्फ एक दल की, खुद की राजनीति करती है, उसे जनता से कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ अपना घर बनना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मेरी बात अगर आपको ठीक लगे तो मुझे समर्थन जरूर करिएगा कि मैं आने वाले वक्त में भी ऐसे विषयों पे ज़्यादा से ज़्यादा बातें अपनी आपसे साझा कर पाऊँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।